फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स चित्रांस में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। सेकंड हैंड ट्रैक्टर फिर से आपको दिखाने वाले हैं, वो भी धमधा छत्तीसगढ़ दुर्ग से करीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो अगर आपको लेना होगा तो पूरा डिटेल्स आपको स्क्रीन में भी शो करेगा, नंबर भी स्क्रीन में मिल जाएगा। और ये क्या मुसलमान पारा है, धमधा में अंदर है, चौक से जैसे ही बस स्टैंड आओगे धमधा में वहाँ से अंदर आना पड़ता है। तो पूरा डिटेल यहाँ से लेंगे भाई जो यहाँ काम करते हैं उनसे। और यहाँ आपको न्यू ट्रैक्टर भी मिलते हैं सोनालिका का कंपनी। और यहाँ लेकिन ये है कि यहाँ प्राइस आपको नहीं बता पाएंगे, यहाँ जैसे कंपनी के थ्रू इनको सब नियम जो रहता है यहाँ पूरा डिटेल नहीं, जैसे कि नॉर्मल आपको मॉडल कितना चला हुआ है, पासिंग कहाँ की, ये सब बता सकते हैं। तो प्राइस ओपन नहीं होगा, आप डायरेक्ट कॉल करके प्राइस पूछ सकते हैं। तो ये आपको यही है प्रॉब्लम, बाकी आपको पूरा डिटेल मिलेगा। तो चलो आइए यहाँ से भैया से बात करेंगे और यहाँ का डिटेल लेते हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। भाई आपका नाम क्या है? हिमांचल तंबोली। हिमांचल तंबोली। तंबोली, ये शॉप कब से? ये शॉप 2012 से है। शॉप का नाम क्या है? कोचर ट्रैक्टर्स। कोचर ट्रैक्टर। एड्रेस बता दीजिए, लैंडमार्क जो जैसे आना होगा किसी को, तो कैसे आएंगे यहाँ तक? यहाँ से जैसे गंडई रोड है, हाँ। है ना, गंडई रोड से ये जो बाजार वाला रोड आता है, अच्छा अच्छा, बाजार रोड से अपन सीधा आके राइट मुड़ेंगे, हाँ, तो मुसलमान पारा पड़ता है। मुसलमान, ये मुसलमान पारा में ही है ये। अच्छा, अंदर में है। और यहाँ न्यू ट्रैक्टर भी है ना सोनालिका? हाँ, न्यू ट्रैक्टर सोनालिका का। और जैसे कि प्राइस का आप बोल रहे थे यहाँ ओपन नहीं करते, तो वो बता दीजिए कस्टमर को, जो भी देखेंगे लेना होगा तो किसान भाइयों को। वो क्या है जैसे प्राइस का अपन जो यहाँ आते हैं ना उसके बाद ही बता पाते हैं प्राइस का। अच्छा, प्राइस ओपन नहीं करते, ये कंपनी के थ्रू है, कंपनी का रूल है ये। अच्छा, ये इसका। तो यहाँ आपको मॉडल वगैरह, पासिंग कहाँ की, ये सभी आपको यहाँ डिटेल में मिलेगा, लेकिन प्राइस आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो जैसे कि भाई ये स्वराज की, स्वराज कौन सा है पूरा? 855। ये 855 है, 1997 की गाड़ी है। अच्छा, 1997 की मॉडल है। पासिंग कहाँ की? 04 पासिंग है, रायपुर की पासिंग है। अच्छा, और ओनर वगैरह कुछ पता है आपको? ओनर ये फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर ही है। अच्छा, कितना चला होगा ये हावर्स में चलता है? हाँ, कितना घंटा? ये लगभग कितना फिर भी मैक्सिमम कितना मैक्सिमम मतलब वही 3,000 साढ़े 3,000 घंटा, 3,000 घंटा चला होगा। कितने एचपी का है ये? 55 HP का। 55 HP। और कुछ फीचर्स होते हैं इसमें? इसमें क्या है, 55 HP में आता है। और ये जो पुराना जो गाड़ी आता था ना, हाँ, 1997 का वो मॉडल है ये। अच्छा, इसमें 12 फीचर्स नहीं था तो 13/6 का टायर इसमें आता था, हाँ, है ना, वो सब है। अच्छा, तो जैसे कि व्यू देखते हैं स्वराज की 855 है ये। और बाकी जैसे कि प्राइस का बताया आपको, प्राइस तो कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी ट्रैक्टर पुरानी मॉडल है, इस प्राइस आपको डायरेक्ट उसमें कॉल करके ही पूछिएगा, अभी ओपन नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑनर ट्रैक्टर्स है। इसके बाद में आपको एक और ट्रैक्टर है येलो कलर में, वो दिख। भाई ये कौन सी ट्रैक्टर है? ये HMT है, 3522 करके। 3522 जी। अच्छा, 35 HP में आती है, हाँ हाँ। ये है सन 2000 का मॉडल है। सन 2000 का मॉडल है। ये भी 04 पासिंग है, रायपुर का आपका। अच्छा, रायपुर का पासिंग है। ये कितना हॉर्स चला होगा? ये लगभग 4,000 से 5,000। 4,000 से 5,000 चला होगा। पासिंग रायपुर बताया। ऑनर्स ऑनर ये भी फर्स्ट है। फर्स्ट ऑनर। कितना एचपी का होगा ये? 35 HP का है। 35 HP का है। जैसे ये एचपी बोलते हैं, इसमें कुछ फर्क क्या होता है? जैसे कि सीसी होता है, हॉर्स पावर होता है ये। हॉर्स पावर है जी। अच्छा, तो जितना ज़्यादा एचपी का होगा उतना अच्छा, हाँ, उतना अच्छा होगा। क्या है, एचपी के हिसाब से रहता है 35, जैसे वो देखे अपन 855, इससे बड़ा भी आता है। अच्छा जी। तो आइए इसका व्यू देखते हैं, आपको दिखाते हैं। पुरानी मॉडल है, 2000 की मॉडल है। जैसे बहुत लोगों, किसान भाइयों को पुरानी मॉडल चाहिए होता है कम बजट में, तो ये सब ट्रैक्टर्स अवेलेबल है। इधर से भी आपको कंडीशंस दिखाते हैं साइड से। इसके बाद है न्यू हॉलैंड वाली ट्रैक्टर दिखाएंगे। चलो न्यू हॉलैंड देख। भाई ये न्यू हॉलैंड, ये कौन सी है? ये 4010 न्यू हॉलैंड है। अच्छा। ये 40 एचपी में आता है। 40 एचपी में जी। ये कौन सी मॉडल है? ये मॉडल है 2013 का। 2013 मॉडल है। अच्छा, ओनर कौन सा होगा इसका? ओनर होगा सेकंड होगा, सेकंड ओनर। पासिंग क्या है? पासिंग ये भी रायपुर ही है। रायपुर ही पासिंग है। तो इसका भी व्यू दिखाते हैं आपको। व्यू देखिए, ब्लू कलर में है, कलर थोड़ा फेक्ट हो गया है, फिर भी देखिए कंडीशंस अच्छी है। मॉडल क्या बताया अभी आप? 2013 की मॉडल है। प्राइस आपको पूरा यहाँ कॉल करके पूछ सकते हैं। इधर से भी देखिए कितना चला होगा ये 2000 से 2500 घंटा चला होगा। इसके बाद है महिंद्रा 475 DI। भाई ये महिंद्रा 475 DI ये भी 04 पासिंग है, रायपुर पासिंग है। ये सेकंड ओनर है, ये गाड़ी भी सेकंड ओनर है जी। कितना एचपी है ये? है अपना 475 है, वही 42 एचपी में आता है। 42 एचपी में जी। मॉडल क्या बताए? मॉडल 5 का है, 2005 मॉडल है। ऑनर? ऑनर सेकंड। कितना चला होगा ये? लगभग 3000 आवर्स चला होगा जी। तो इसका भी व्यू देखते हैं। ये 42 एचपी बोले ना ये? अच्छा, 475 5 मॉडल है ना? 5 मॉडल है। किसान भाइयों के लिए बेस्ट है, बहुत पुरानी मॉडल है। 5 की मॉडल है, यहाँ 2000 की मॉडल है। इसके बाद है एक और ट्रैक्टर, ये भी पुरानी मॉडल में ही है, सम्राट है ये। अच्छा। 4410 करके है, ये 45 एचपी में आता है। 45 एचपी। हाँ, ये है आपका राजनांदगांव पासिंग है, 08 है। ये कितना चला होगा ये? ये लगभग वही 4000 के आसपास। पासिंग क्या है इसका? 08 जी। पास अच्छा, राय 08 बता जी, राजनांदगांव। कितना एचपी का होगा ये? 45 एचपी में। 45 एचपी में, 2005 मॉडल है इसका। अच्छा, 2005 मॉडल है। तो इसका व्यू देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूरा नाम क्या है इसका? इसका टैफे सम्राट है ये। टैफे सम्राट जी, मैसी का जो आता है ना। अच्छा अच्छा, मैसी का। और नाम पेपर वर्क कंप्लीट करके देते हैं यहाँ से। फाइनेंस की सुविधा है? फाइनेंस नहीं है, पुराना फाइनेंस की सुविधा है। अच्छा, पुराने में नहीं है, न्यू में हो जाएगा? न्यू में है। अच्छा, तो चलो आइए। इसके बाद है सोनालिका। ये 2006 का है सोनालिका, 740। 740 जी। ये 42 एचपी में आता है। अच्छा जी जी। ये पासिंग का? इसका पासिंग है वही, देख लेते हैं पासिंग को, 04। ये भी रायपुर की पासिंग है। अच्छा, कितना हॉर्स चला होगा बोले? ये 3000 से, एक बार देख भी लेते हैं इसका। अच्छा, 6814। 6814। तो कंडीशंस देखते हैं ट्रैक्टर का। इसमें कुछ थोड़ा बहुत खर्चा कराना पड़ेगा जिसको लेना होगा तो। हाँ, वो जो पुरानी मॉडल में। कंडीशंस देखते हैं। ये सोनालिका का तो ठीक ही है, जैसे कि और भी पुरानी मॉडल है। आपको पुरानी मॉडल बहुत लोगों का चॉइस रहता है कम बजट में, तो वो ले सकते हैं। तो इसके बाद है एक और ट्रैक्टर, वो देखिए। ये कौन सी ट्रैक्टर है? ये स्वराज 735 है। अच्छा। ये 35 एचपी में आता है। 35 एचपी में। ये पासिंग कहाँ की है? पासिंग है राजनांदगांव, 08। मॉडल और? मॉडल 2005 का। 2005 मॉडल है ये भी। अच्छा, कितना आवर्स चला होगा ये? लगभग वही 4000-5000। और ओनर? ओनर फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर है। तो इसका भी कंडीशन देखते हैं व्यू। स्वराज का है 735 FE। थोड़ा बहुत आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा पुरानी मॉडल लेना है तो। बाकी पेपर वर्क आपको कंप्लीट, फाइनेंस की सुविधा नहीं है। आपको पूरा डिटेल नंबर, आपको प्राइस यहाँ डायरेक्ट उसमें स्क्रीन में तो शो नहीं कर पाएगा इस बार, आपको कॉल करके ही पूछना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने 6-7 ट्रैक्टर दिखा दिया है आपको। प्राइस तो ओपन यहाँ कंपनी का रूल है, इसे प्राइस नहीं बता पाए हैं तो आपको प्राइस पूछना होगा तो डायरेक्ट कॉल कर लेना। और ये धमधा डायरेक्ट आ भी सकते हैं, धमधा में मुसलमान पारा है। आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिलेगा यहाँ का। और ये शॉप का नाम है कोचर ट्रैक्टर्स है ना भैया? कोचर ट्रैक्टर सोनालिका का है। आपको सोनालिका का न्यू ट्रैक्टर मिलेगा, बाकी सेकेंड हैंड लेना है तो और भी मॉडल हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे रेड बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है चित्रांस 12345। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।